नमस्कार मैं डॉक्टर अभिषेक जैन गेस्ट्रोसर्जन अरियंत हॉस्पिटल से आज जो है हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बड़ी आँत जिसे बोलते हैं या कोलोन बोलते हैं प्लस जो हमारा जो लेटरिन की थैली होती है और लेट्रिन का रास्ता रहता है उसमें अगर कोई भी कैंसर रहता है तो उसको हम कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं ये जो कैंसर होता है कोलोरेक्टल कैंसर ये इसकी जो प्रेवलेंस है या इसका जो अक्रेंस है अब सोसाइटी में वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है स्पेशली ये वेस्टर्न वर्ल्ड का डिज़ीज़ है जो कि अब हम क्योंकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह जो अडेप्ट कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी में तो उधर हमारे इंडियन सोसाइटी में भी अब इसका जो अक्रेंस uh, है और जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है इसकी जो मुख्य वजह रहती है वो है वेस्टर्न वर्ल्ड और फास्ट फूड जो हम खाना हमने शुरू किया है या जो हम अपनी डाइट में मेनली इसको फॉलो करते हैं तो ऐसे लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं दूसरा एक हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं जो कॉज होता है वो है मोटापा जिसको हम अगर कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज करें डेली एक्सरसाइज करें और हेल्दी फूड की तरफ हम अपने आप को रखें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है तीसरी चीज़ जो हमें प्रिवेंट करनी चाहिए वो है कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो वो भी आगे चल के डिजीज़ की प्रवलेंस बढ़ जाती है चौथा जो, जो है वो है कि हमें अपने खाने में रेशा या फाइबर जिसे हम बोलते हैं तो वो हमारी डाइट में हाई फाइबर डाइट का हमें सेवन करना चाहिए हाई फाइबर डाइट में जैसे हरी पत्ती की सब्जी होती गई है या फिर फल होते हैं ये सब चीज़ें या मल्टीग्रेन आटा होता है ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट में जिससे कि हमें एक तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है दूसरा हाई फाइबर डाइट जो इंटेक रहता है तो उसमें कोलोन के कैंसर्स कम देखे गए हैं पाँचवा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेड मीट होता है जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं तो रेड मीट का सेवन जो है वो या तो बंद कर देना चाहिए या एकदम ही मिनिमम रखना चाहिए क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में रेड मीट का सेवन एक मुख्य कारण माना गया है कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए और जहाँ तक है अल्कोहल हो गया या किसी भी प्रकार का नशा है वो तो ऑब्वियसली हर तरीके के कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड होता है उसी तरीके से ही कोलोरेक्टल कैंसर के साथ भी ये एसोसिएटेड है तो मेरी ये कामना रहेगी कि आप ये सारे जो प्रिवेंटेबल कॉज हैं उनको फॉलो करें उनसे बचें और स्वस्थ रहें थैंक यू